Hello friends, welcome to my channel Smile with Shatabdi and I am Shatabdi. This is my first YouTube channel और ये मेरी पहली वीडियो है YouTube पे और मैं एक्चुअली असम से बिलोंग करती हूँ. ये वीडियो बहुत ही छोटा होने वाला है बिकॉज दिस इज अ वेरी शॉर्ट वीडियो. दिस इज इंट्रोडक्शन वीडियो फॉर यू गाइज. अगर आपकी आपको मेरा ये पहला वीडियो जो है वो पसंद आ रहा है सो देन प्लीज डू लाइक माई चैनल, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल बटन नियर टू दैट. और अगर और प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है देन प्लीज़ डू शेयर माई वीडियो, ठीक है. और अभी तो क्वारंटाइन चल रहा है. बाय द वे टुडे इज 9th ऑफ मे और अभी घड़ी पे एग्जैक्टली 5:30 PM हो रहा है. ये शाम का वक्त है, मैं अपना वीडियो अपलोड कर रही हूँ आप लोगों के लिए. मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग कमेंट करें मुझे, हम फ्रेंड्स बन पाए. मुझे आप लोगों के साथ बातचीत करना, आप लोगों के व्यूज़ जानना बहुत अच्छा लगेगा. तो काइंडली आप मुझे कमेंट कीजिएगा, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ये प्लीज़ लिखिएगा, ठीक है. और अभी जैसे कि मैं बता रही थी, अभी क्वारंटाइन चल रहा है एंड दिस इज द लॉकडाउन पीरियड. हम सभी अपने घरों पे बंद है. दिस इज अ वेरी बोरिंग पीरियड फॉर अस. घर से बाहर निकल नहीं सकते, काम पे जा नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते. जस्ट आपको सेफ रहना है, आपके लिए, आपके खुद के परिवार के लिए. सो प्लीज डू स्टे एट होम. तो इससे हम कोरोना से लड़ सकेंगे. विल फाइट बैक, इंडिया विल फाइट बैक, राइट. और सो स्टे होम एंड स्टे सेफ. This is the small and short message from me. और भी बहुत सारी videos बहुत आगे आने वाली है. ये तो सिर्फ शुरुआत है. तो आगे आगे और भी videos मैं upload करूँगी आप लोगों के लिए. अगर आप मुझे पसंद कर रहे हो then please आपकी support की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. आप मुझे support करें और आपकी जो प्यार है, आपका जो प्यार है, आपके सपोर्ट आप मुझे कमेंट के थ्रू दीजिएगा. मैं ट्राई करूँगी कि मैं एवरी कमेंट आपका पढ़ पाऊँ और मैं आपको रिप्लाई कर पाऊँ. मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं फ्रेंड्स बना पाऊँ, क्योंकि मुझे फ्रेंड्स बनाना बहुत अच्छा लगता है. मैं हाँ मैं मेरे बेस्ट फ्रेंड्स या क्लोज फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा नहीं है, बट हाँ जितने हैं मेरे बहुत करीबी हैं. बाय द वे मैं असम से बिलोंग करती हूँ. आई एम फ्रॉम असम, आई लिव इन गुवाहाटी. असम की गुवाहाटी मेन सिटी है, मैं वहाँ से बिलोंग करती हूँ. तो जैसे कि आज मेरा पहला वीडियो है यूट्यूब पे, तो शुरुआत कैसे करें बताइए. तो शुरुआत मैं करती हूँ चाय बनाने से, ठीक है. चलिए. हे गाइस, देखिए मैंने चाय चढ़ा दिया है, चाय उबल रही है. तो गरम गरम चाय पीने का मज़ा तो सभी को आता है ना. हे गाइस, ये मेरा छोटा सा किचन है, ठीक है, छोटा सा किचन है. और जैसे कि मैंने आपको दिखाया, मैंने चाय चढ़ा दिया है. अभी मैं चाय पीऊँगी. मुझे चाय पीना बहुत पसंद है. एक्चुअली मुझे चाय से भी ज़्यादा कॉफ़ी पसंद है, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए, जैसे कि मुझे माइग्रेन है, तो माइग्रेन की वजह से डॉक्टर ने मुझे कॉफ़ी पीने के लिए सख्त मना कर दिया है, एकदम पूरी तरह से मना कर दिया है. इस वजह से मैं कॉफ़ी पीती हूँ बट बहुत रेयर. चाय मतलब अगर कॉफ़ी नहीं पीती हूँ तो चाय तो मुझे चाहिए. एटलीस्ट दिन में एक बार मुझे चाय चाहिए, वरना मैं सारा दिन, शाम को चाय नहीं भी हो चलेगा, बट सुबह को मुझे एटलीस्ट 1 कप ऑफ टी मुझे चाहिए. तो प्लीज़ आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों में चाय किसे पसंद है
और कॉफ़ी किसे पसंद है। अभी मुझे कॉफ़ी से ज़्यादा, फिलहाल तो ऐसा हो गया है कि कॉफ़ी से ज़्यादा मुझे चाय पसंद आ रही है। रियली आई एम लाइकिंग चाय, टी राइट नाउ। और अभी क्या है ना कि गर्मी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है अभी। और गर्मी में चाय, कभी तो ऐसा भी होता है कि चाय पीने का मूड भी नहीं करता। तब आप लोग क्या पीते हो? मैं ट्राई करती हूँ, मेरे घर पे हमेशा दही रहता है, मैं दही रखती हूँ हमेशा। तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं लस्सी बना पाऊँ, लस्सी बना दूँ। मतलब लस्सी पीने से आपका पेट ठंडा भी रहता है और आपको हेल्थ इश्यूज भी नहीं होगा, क्योंकि उसमें दही है। तो दैट्स वाई लस्सी इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। अगर चाय या कोई हॉट ड्रिंक, कॉफ़ी, हॉट कॉफ़ी, टी अगर आप नहीं ले पा रहे हो गर्मी की वजह से, तो आप लस्सी ट्राई कर सकते हो। ये हेल्दी भी है और आपकी पेट बहुत ठंड रखेगा इस गर्मी के सीज़न में। तो चलिए गाइस, मैं चाय को छान लेती हूँ, उसके बाद चलते हैं, आपके साथ फिर से बात करते हैं। हे गाइस, ये मेरा ड्राइंग रूम है, ये ड्राइंग रूम है, आप देख पा रहे हो। ये मेरा ड्राइंग रूम है और मुझे घर सजाना अच्छा लगता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे पास बहुत ज़्यादा सामान है, बिकॉज़ आई लिव इन ए रेंटेड अपार्टमेंट हियर इन गुवाहाटी, काम के सिलसिले में फॉर वर्क। तो इसलिए मेरे पास ज़्यादा सामान तो है नहीं, बट जितना भी है आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू मेक टू लुक गुड, टू एनहेंस माई रूम लिटिल बिट गुड। जितना मुझे पसंद है मैं वैसा रखती हूँ। बाय द वे, आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आप लोग भी पसंद करते हो रूम को अच्छी तरह संभाल के सजा के रखना। कितने लोगों को ये शौक है बताइएगा ज़रूर। और अभी शाम हो चुकी है, चलिए। और कैसा दिन गुजर रहा है आपका, क्या 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 कर रहे हो? बाय द वे, अभी जो ट्रेंड चल रहा है ना, मैं आपको बता दूं, घर बैठे हुए सभी लोग जिनको कुकिंग आता भी नहीं है वो भी ट्राई कर रहे हैं। कुछ ना कुछ ट्राई किए जा रहे हैं, मतलब कुकिंग में। मैंने भी ट्राई किया, मैंने भी ट्राई किया। पता है मैंने क्या क्या बनाया? मैंने बनाया था जलेबी, मैंने बनाया केक्स, चॉकलेट केक, मिल्क केक, मैंने बनाया बिरयानी, फिर दालगोना कॉफ़ी जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। गाइस, आप लोगों ने ट्राई किया कि नहीं प्लीज़ बताइएगा मुझे, ठीक है। हे गाइस, चाय के साथ चुस्की लेते हुए फिर से मैं आपके सामने। अभी एक्चुअली जो टाइम चल रहा है ना, इस टाइम पे अगर आप मतलब मैं आपको ये बोलना चाहूँगी, इवन मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप जितना ठंड से दूर रहें उतना आपके लिए अच्छा है। क्योंकि अगर आपको थोड़ी सी हल्की सी छींक आ जाती है या फिर कफ एंड कोल्ड थोड़ा सा फील करते हो आप, तो लाइक सब लोग ये मतलब फील करते हैं कि आपको भी शायद आप क्वारंटाइन में रहें या फिर आपको आपके पास आने से कुछ लोग है ना वही सोचते हैं कि कहीं कोरोना एंड ऑल ये सब। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि एक हल्का सा सजेशन है कि काइंडली प्लीज़ आप घर पे रहें और ठंड ना लगाएं, ठीक है। गर्म पानी पिए जितना हो सके। मुझे मालूम है कि गर्मी बहुत बढ़ चुकी है, बट देन ऑल्सो गर्म पानी जो है ना वो आपके हेल्थ को, इम्यूनिटी, ठंडे पानी से गर्म पानी अगर आप पीते हो, वार्म वाटर, हॉट वाटर तो अभी आप नहीं ले पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठीक
ठीक है, तो आप वार्म वाटर लीजिए उसके जगह, तो ये इससे आपका जो इम्यूनिटी है ना वो बहुत स्ट्रांग रहेगा। लेकिन काइंडली फ्रिज वाला जो ठंड जो पानी होता है ना, प्लीज़ उसको अवॉइड कीजिएगा। हे गाइस, तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ टू लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब कीजिएगा, हिट द लाइक बटन, ठीक है। उससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि मैं जब वीडियोस अपलोड करूँगी तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा कि मैंने वीडियो अपलोड किया है और आप मेरी वीडियोस को देख पाएंगे। और शेयर कीजिएगा मेरी वीडियोस को, ठीक है। और बस आज के लिए मैं इतना ही, मैं और भी वीडियोस लाने की कोशिश करूँगी, बहुत ज़्यादा वीडियोस लाने की कोशिश करूँगी। काइंडली मुझे आप प्लीज़ हेल्प कीजिएगा कमेंट के द्वारा कि आप कैसे वीडियोस देखना पसंद, काइंड ऑफ वीडियोस देखने की इच्छा रखते हैं, तो मैं वही वीडियोस मैं आपको वैसा ही मैं वीडियो अपलोड करूँगी। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ यू, योर लव्ड वंस, योर फैमिली। घर पे रहिए, सेफ रहिए, और गुड बाय।